आज के वक्ता को मैं आमंत्रित करूं, इससे पूर्व एफपीआरटी की परंपरा है कि हमारा एक परिवार है और परिवार में किसी के पास भी कोई अच्छी शेयरिंग है जो सबसे साथ साझा की जा सकती है, वो शेयरिंग यहाँ करनी चाहिए। एक बात को समझिएगा ध्यान से, आपके पास देने के लिए कुछ भी है और फिर भी आप नहीं दे रहे तो इसको कहते हैं विषाद। और आपके पास देने के लिए कुछ है और आप उसको बांटकर खा रहे हैं तो ये है प्रसाद। भारत की संस्कृति प्रसाद की संस्कृति है, विषाद की संस्कृति नहीं है। अगर विषाद आपको प्राप्त होगा तो घर में शांति नहीं होगी, घर में कलह होगा, ऐसा पैसा किसी काम का नहीं है। मेरा निवेदन है कि आपके पास बताने के लिए कुछ है जो आप शेयर कर सकते हैं, कोई अच्छा काम आप करके आए हैं वो बता सकते हैं, कोई अच्छी सेल्स की है वो आप बता सकते हैं, कोई अच्छा व्यवहार किसी ने किया आपके साथ में वो आप बता सकते हैं, कोई गाड़ी घोड़ा मकान आपने लिया है तो बता सकते हैं, घर में कोई बालक आया है नया उसको उसके बारे में बता सकते हैं, कोई बालक लाने की प्लानिंग कर रहे हैं आप वो भी आप शेयर कर सकते हैं। कुछ भी ऐसा जो सबको मोटिवेट कर सकता है आप यहाँ शेयर करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। जिन जिनको कुछ बोलने का मन है वो अपना डिजिटल हैंड रेज कर दें। राजेश राठौर जी से प्रार्थना करूंगा कि वो एक एक करके सबको अलाउ करें बोलने के लिए। पहला एक नाम आ गया है, विनोद गोयल जी, अनम्यूट करो और बोलिए। सबको बहुत बहुत नमस्कार। मेरा इस हफ्ते का जो सेल्स हुआ वो 2,80,000 रुपए की जीवन उमंग 2 पॉलिसीज में दिया गया और बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने समझ के लिया। एक नंद थी, एक बहू थी, ऐसे करके उन्होंने लिया। बड़ा अच्छा लगा उस परिवार से मिलकर। यही आप, यही मेरी शेयरिंग आज की। थैंक यू। हेलो, अपने आपको म्यूट कर लीजिए। राजेश जी, मुझे कुछ बोलना है। बोलिए। नमस्ते राजेश भाई। नमस्ते। मेरी सेल तो कोई हुई नहीं बेहतर, लेकिन मैंने पिछले, मेरा एक अरमान था कि मैं उन लोगों को खाना दूं जो लोग खाना नहीं खा सकते लेकिन सम्मान के साथ। तो मैंने एक सिस्टम शुरू किया, 10 रुपए में थाली। तो वो महीना डेढ़ महीना चलाया लेकिन वो मेरा सक्सेसफुल नहीं हुआ। अब मैंने जो काम शुरू किया ना, पिछले 34 दिनों से मैं 50 लोगों को खाना देता हूँ। मैंने अलग स्टाइल में काम शुरू कर दिया। हाथ पे हम लोग रोटी देते हैं, उसी पे सब्जी रख के देते हैं। तो वो सक्सेसफुल चल रहा है क्योंकि उसमें ज्यादा खर्चा नहीं आता, 2,000 रुपए पर डे का खर्चा आता है। और पिछले 34 दिनों से लगातार चल रहा है वो जब तक परमात्मा चाहेगा उसको चलाऊंगा मैं। वाह वाह। कहाँ कहाँ, किस लोकेशन में करते हैं भैया? मैं रमेश नगर के अंदर करता हूँ, गोल चक्कर पार्क के अंदर, क्योंकि आजकल ना लोगों के पास काम नहीं है तो वहां पे मजदूर बैठे रहते हैं जो लोग। अच्छा। तो 50 लोगों से मैंने शुरू किया था, अब 2 लोग और जुड़ गए हैं, 25-25 का उन्होंने जिम्मा उठा लिया, तो 100 लोगों को रोज खाना जा रहा है। और उसमें ना कोई वेस्टेज हो रही है ना कुछ हो रही है, हम लोग हाथ पे खाना दे रहे हैं। हाथ पे मजदूर हाथ पे ले लेता है ना रोटी, उसी पे सब्जी रख के, ना कोई डस्टबिन की जरूरत, ना किसी चीज की, ना कोई पैकिंग होती। तो बहुत अच्छा मेरे को सुकून मिल रहा है अंदर से, दिल से, जैसे होता है हम कोई सोसाइटी के लिए कोई योगदान दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया शेयरिंग की आपने, बहुत अच्छी शेयरिंग की आपने, मजा आ गया। और कौन है बोलने वाला? बीडी आहूजा जी को अलाउ करो। बीडी आहूजा साहब को अलाउ करो। आहूजा जी अनम्यूट करो और बोलो। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ गुड मॉर्निंग, बोलिए सर। सर मेरे को अभी अभी न्यूज में लिया 1 मिनट पहले, मेरे भांजे ने सीए कर लिया है और वो चारों एक ही अटेम्प्ट में, मतलब एक एक सेमेस्टर करता चला गया, 2 साल के अंदर वो सीए बन गया। तो इस चीज की मेरे को बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, मैं वही आपसे शेयरिंग करना चाहता। आपका भांजा क्या बन गया, कमिश्नर बन गया? सीए सर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए बन गया। अरे वाह 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 वाह, अच्छी बात, अच्छी खबर। अभी अभी रिजल्ट आया उसका।
अभी अभी रिजल्ट आया। वाह 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 वाह, बहुत एक्सीलेंट खबर दी आपने। संजीव झा। सर बिना वीडियो के चला सकता हूं मैं? हाँ चलाइए, बोलिए। सभी भाइयों को पहले तो नमस्कार। सर मेरा एक जो अभी दो दिन पहले 2,04,000 का मैंने जीवन लाभ बेचा हूँ, और खुशी इस बात की है जो ये जो पॉलिसी बेचा हूँ वो बंदा खुद जो है सो आईसीसी प्रूडेंशियल में काम कर रहा है। हेलो, ठीक है। बस अभी अभी ज्वाइन किया था तो बस उसके फादर से यही बात की मैंने, जो सर 23 से लेके जो 30 साल के बच्चे होते हैं उसके पास कोई लायबिलिटी नहीं होती है, तो मोस्टली पैसा वो क्या करता है, वेस्ट कर देता है। तो सर क्यों ना आप इसको अभी 3 महीना पहले ज्वाइन किया है, एक 2,00,000 से इसका पॉलिसी शुरू करें, जो इसके हर एक साल जो ये पैसा वेस्ट करेगा वो अपने प्रॉपर सेविंग करना शुरू करेगा, तो ये अच्छा सेल हुआ मेरे लिए। बहुत बढ़िया, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा। नेक्स्ट। सर नमस्कार। नमस्कार, मेरा मैं नीरज भटनागर। सर सेल तो कोई खास नहीं हो पाया, लेकिन दो शेयरिंग है। एक तो ये है कि मैंने एक नोएडा एक्सटेंशन में नया मकान खरीदा है। एक्चुअली मैं पेरेंट्स भी आना चाह रहे थे, तो अभी जिसमें हम रह रहे थे वो छोटा था, तो मैंने अभी एक बड़ा मकान नोएडा एक्सटेंशन में परचेज किया है। और दूसरी शेयरिंग ये है कि सर कल जी दूसरी शेयरिंग ये है सर कल भी मेरे बेटे का रिजल्ट आया बीटेक कंप्यूटर साइंस में, और उसमें बिद इस किया जी। बहुत अच्छे। नेक्स्ट नेक्स्ट अलाउ करो। अजय बंसल जी बोलिए। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। सर मैंने ना जो आज तक जो मेरी सेल होती थी, जो बिना रिबेट के सेल होती थी, तो वो क्लाइंट से पर्सनली मिलके वन टू वन मिलके कुछ एक घंटा में कुछ ऐसी बातें करता था कि उससे उसकी लाइफ की प्रॉब्लम पूछता था और उसको उसका सॉल्यूशन बताता था, और उसको उस लेवल से बात करता था कि उसको लगता था कि वाकई मैं किसी ऐसे आदमी से मिल रहा हूँ जिसने आज तक जीवन में मुझसे ऐसी बातें नहीं करी, मुझसे मेरी बातें नहीं पूछी, मेरी जिंदगी में कहाँ पे लैक कर रहा हूँ मैं ऐसा कुछ नहीं पूछा, ना ही कुछ ऐसा सजेस्ट किया कि जिससे मैं अपनी लाइफ में और बेहतर बन पाऊँ। तो इसका रिजल्ट ये होता था कि मुझे जो पॉलिसियाँ जो मैं पॉलिसी करता था वो बिना किसी डिबेट के करता था, चाहे कितनी बड़ी से बड़ी पॉलिसी, छोटी से छोटी पॉलिसी। और अब क्या किया सर मैंने, अब मैंने सबका एक ग्रुप बना लिया है और मैं सबको ग्रुप को अपने ऑफिस में इनवाइट करता हूँ हर सैटरडे सुबह 9 बजे से 10 बजे तक। ये मैंने पिछले 2 हफ्तों से करना शुरू किया है, और वहाँ पे मैं लोगों की जो है एक मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए कहो, या जीवन में कैसे आगे बढ़े, या जीवन में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहें, या जीवन में एक बेहतरीन आदमी कैसे बनाया जाए, उस पर उसके ऊपर मैं 1 घंटा वहाँ पे मैं उन लोगों को क्लास देता हूँ और 1 घंटा मतलब इंटरेक्शन करता हूँ उनसे। तो ये मैंने पिछले 2 हफ्ते से शुरू किया, और मेरा पूरा विश्वास है कि अभी जो नया रूल आया है कि पॉलिसी पे ये कह रहे हैं कि ये लिखा जाएगा कि एजेंट को कितना कमीशन मिलता है, तो मेरा ये विश्वास है कि जो भी पॉलिसी मुझसे लेगा मेरा क्लाइंट, जो भी मेरे से क्लास में आके एक बार बैठ गया, बाद में जो पॉलिसी लेगा मुझसे, तो वो हमेशा यही कहेगा कि ये तो बहुत कम है बंसल जी, आपको तो कम मिल रहा है, आपको और ज्यादा मिलना चाहिए इससे जो आप कर रहे हैं हमारी लाइफ के लिए। तो अगर हम किसी की लाइफ में कंट्रीब्यूट करते हैं और उसे जीवन में आगे बढ़ाते हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे एक्स वाई जेड कोई भी हो, और जैसे उनकी प्रॉब्लम से कोई डिप्रेशन में है, कोई कैसे प्रॉब्लम फेस कर रहा है, किसी को भाई की प्रॉब्लम है, किसी को एजुकेशन में है, किसी को अपने बच्चों से है, तो वो बहुत खुश होगा। और मैं 2007 से बुक्स पढ़ता हूँ लेवल की, मतलब नेशनल इंटरनेशनल लेवल की, मेरे पास 250-300 किताबें हैं, तो इतनी नॉलेज हो गई है, इतना सब कुछ हो गया है, तो अब मुझे उसको बांटने में बहुत बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। और मुझे लगता है कि 2026 तक मैं कम से कम 1,000 लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करूंगा, और ये मैंने अपना विजन बनाया है टू प्ले प्रोमिनेंट रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ्स एंड देयर बाई मेकिंग लाइफ इजियर एंड ब्यूटीफुल।
लोगों की लाइफ में ऐसा रोल प्ले अदा करना जैसा राजेश चेतन जी कर रहे हैं कि उनकी जिंदगी खूबसूरत हो जाए और आसान हो जाए। तो ये मेरा विजन है और इस विजन के साथ मुझे लगता है कि लोगों की लाइफ वाकई बदलेगी और खुशहाल होगी। थैंक यू सर। नेक्स्ट वीरेंद्र पाल शर्ट खड़ी रहे कल लाल भी थोड़ी देर पहले बेटी आहूजा जी म्यूट कर लो अपने आपको। बोलिए पवनवीर यादव तुम बोलो। सर नमस्कार। नमस्कार सभी बोर्ड मेंबर्स पीआरटी मेंबर्स को मेरा नमस्कार। सर छोटी छोटी दो शेयरिंग है। एक तो अमित पालीवाल जी का धन्यवाद, उन्होंने मेरी एक वीडियो बना के दी थी, उस वीडियो से मेरी अभी एक 20,000 रुपए महीना की जीवन उमंग की पॉलिसी आ गई है। दूसरा ये सर कि एक कंपनी थी जिसके मैं फायर इंश्योरेंस के लिए पिछले 5-7 साल से फॉलोअप कर रहा था, बट डायरेक्टर का जो कोई फ्रेंड था वो इंश्योरेंस कर रहे थे, और इस बार क्या हुआ कि एक दिन आंधी आई और उनका बोर्ड गिर गया। तो उन्होंने कॉल किया, वो बंदे ने 2-3 बार कमिटमेंट किया उनको, बट वो उनसे मिलने नहीं आया, क्लेम दिलाना तो दूर। तो उन्होंने डायरेक्टली मुझे कॉल किया और बोले कि वो हमारा जो जिस कोस्ट पे भी होता है आप हमारा इंश्योरेंस कर दीजिए। तो उसका 89,000 का वो प्रीमियम ले रहे थे, मैंने 81,000 में नेशनल से कर दिया। तो अगर हम क्लाइंट को प्रॉपर रेस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो चाहे हमारा कितना भी दोस्त हो कोई भी हो, वो बिजनेस हमारे हाथ से जा सकता है। तीसरी चीज ये है सर कि अभी जो है ये एक और बहुत अच्छे वाक्य हुआ कि मेरा एक क्लाइंट का बच्चा हुआ था और वो हॉस्पिटलाइज हो गया, तो उसको काफी इशू हो रहे थे। मेरे को शाम को 8-9 बजे कॉल आया, बंदा बड़ा मायूस था, मैं हॉस्पिटल चला गया और रात को 12-1 बजे तक मैं हॉस्पिटल रहा और सारी चीजें देख दाख के उसके बच्चों बच्चों को मैं घर छोड़ के 1-2 बजे अपने घर आया। तो उस बंदे को मैंने देखा कि वो बंदा इतना थैंकफुल था कि वो अगले 3 दिन मेरे ऑफिस आ रहा है, मतलब रोज 2-3 बार थैंक यू बोल के चला गया बंदा। तो सर जो चीजें आप सिखाते हैं वो लगातार कि लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करना है, उससे मतलब लोगों की लाइफ में तो जो चेंज आता है हमारी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आता है। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू एफपीआरटी बोर्ड, थैंक यू सो मच। योगेश कुमार। हेलो। हाँ जी योगेश जी बोलो। हाँ सर आवाज आ रही है? आ रही है। सभी एफपीआरटी गुरुजनों को प्रणाम सर बंधन। योगेश कुमार 31वीं रिस्पेक्टेड डीओ सर हमारे अध्यक्ष सर हैं, और सर पिछला महीना बहुत अच्छा गया, 114 पॉलिसी सर हुई है और हमारा पिछले महीने एमडीआरटी भी आप लोगों के आशीर्वाद से सर कंप्लीट हो गया। सर वो एक कंपटीशन था अपना LIC का निकला हुआ था, तो हम लोगों के टीम भी है, 4 लोगों का टीम है, हम लोगों ने स्ट्रेटजी बनाई, आधार स्तंभ और आधार शिला जो एग्जिट क्लाइंट थे उनकी लिस्ट निकाली और सबके घर जा के 2 दिन में कि सर बहुत सस्ती पॉलिसी है जिसमें आपका एक्सीडेंटल लाइफ कवर 6 लाख का है सर, मात्र केवल 1100 रुपए बचाने हैं आपको, कॉम्बिनेशन करके ऐसे 36 लाइफ में 100 पॉलिसी सर कर दी। 4 पॉलिसी का कॉम्बिनेशन? जी सर 4 पॉलिसी का कॉम्बिनेशन करके। चलिए और जी सर थैंक यू सर। विकास कुमार बोलो। विकास जी नमस्कार। सर एफपीआरटी के सारे बोर्ड मेंबर को मेरा कोटि-कोटि प्रणाम, एंड मेरे सारे बंधु बांधवों को बहुत प्यार और स्नेह। मैं सर 123 ब्रांच से हूँ, और अगर कहा जाए तो चेतन साहब का मैं फोटोकॉपी बनना चाहता था आज से 5 साल पहले, और थोड़ा थोड़ा धुंधला फोटोकॉपी बन पाया हूँ। तो इसी तरह मैं जैसे सर का जनवरी में MDRT हुआ था तो हमने 10 फरवरी को किया, और अभी हमारा 2 MDRT हो चुका है। जो हमारी स्पेशल शेयरिंग ये है,
कि पहले मैं किसी मंच पे वैसे जाया करता था बोलने के लिए, और पिछले बार संडे को ऐसा हुआ कि मैं किसी मंच पे गया और 11,000 रुपए लेके 3 घंटा बोला। तो मैं सर का बहुत बहुत आभार है कि जैसा मैंने सोचा था थोड़ा थोड़ा अब मेरे लाइफ में वैसा हो रहा है। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि जो लास्ट वीक में हमने 2 पॉलिसी सेल किए हैं 40-40 लाख के जीवन लक्ष्य, तो उसका एक ही था कि 500 रुपए दो और 2,80,00,000 का इंश्योरेंस लो। तो वो उन्होंने कहा कि बहुत जगह सर्च मारा, बहुत लोगों से पूछा, बोला ये 500 रुपए में 2,80,00,000 कैसे मिल सकता है। तो मैं जब उसके सामने टेबल पे बैठा तो जब मैंने उसको समझाया कि देखो 40 लाख तो एट अ टाइम मिलता है, उसके बाद ये 21 साल तक प्रीमियम नहीं देना है, फिर उसके बाद 4-4 लाख रुपए एवरी ईयर मिलता है और मैच्योरिटी भी मिलता है, तो ये 2,80,00,000 से प्लस बैठता है। तो वो चौंक गया। और सबसे बड़ी बात है कि जो उसका ऑनर है, rupyapaisa.com इतनी बड़ी कंपनी है, उसका ऑनर है, तो उसको मैंने बेचा जो दुनिया को करोड़ों लोन बांटता है। तो यही मेरी बेस्ट शेयरिंग थी। बाकी सर का आशीर्वाद बनता रहे तो शायद अच्छा ओरिजिनल कलर कॉपी बन पाऊं सर का। थैंक यू सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी शेयरिंग थी। नेक्स्ट वीरेंद्र पाल, अपने आप को अनम्यूट करके बोलो। इट्टू सुनना बोलिए। सुनीता जी कुछ बोलना चाहते हो? चलिए आप सबको बंद कर दो, अब कोई नहीं बोलेगा। साथियों आपका धन्यवाद इतनी अच्छी शेयरिंग करने के लिए। अब हम लोग लाइव हैं फेसबुक के ऊपर, क्योंकि संख्या हमारी 100+ हो गई है, तो अब समय आ गया है कि हम उनको सुने जो आज हमारे वक्ता हैं। वो एक गृहस्थ संत हैं, बहुत ही कूल हैं, विनम्रता की विनम्र है वो। एफपीआरटी के हमारे मेंबर हैं, मेंबर ही नहीं है तो वो एफपीआरटी के हर कार्यक्रम में पत्नी के साथ उपस्थित रहते हैं। मैं इनको बुला रहा हूं, उनका नाम धर्मपाल है। सच में वो धर्म के पालक हैं, जैसा उनका नाम है वैसा ही उनका काम है। वो हमेशा दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। उन्होंने MDRT, COT, TOT अनेक बार की है और वो बड़ा बिजनेस करने में भरोसा रखते हैं, बड़ा टिकट साइज से काम करते हैं। ऐसे एक बड़े व्यक्ति को मेरा बुलाने का मन है। मैं चाहता हूं धर्मपाल जी आए, और इतने बड़े व्यक्ति को बुलाने के लिए मुझे आपकी सबकी मदद चाहिएगी। मैं अकेला नहीं बुला पाऊंगा, क्योंकि वैसे भी आज अतुल जैन नहीं है तो मैं कुछ अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा हूं। तो आप सब लोग मेरी मदद करें और चैट बॉक्स में एक जोरदार स्वागत अभिनंदन करें हमारे आज के स्पीकर भाई धर्मपाल जी का। और धर्मपाल जी से प्रार्थना करता हूं वो आकर आज का जो सब्जेक्ट है मनी मास्टरी उस पर बात करेंगे, और मुझे भरोसा है कि ये विषय जब आपके सामने आएगा तो निश्चित रूप से आपका बहुत लाभ होने वाला है। आदरणीय धर्मपाल जी स्वागत है भाई साहब, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। सर ने कुछ ज्यादा ही बोल दिया मेरे बारे में, तो उसके लायक मैं हूँ बोल दिया। तो एक्चुअली जूम मीटिंग पे मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, तो कुछ भी गलती हो जाए तो मैं आपसे माफी चाहूंगा। मैं जैसे क्लाइंट से बात करता हूँ बिल्कुल वैसे ही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी अगर किसी का क्वेश्चन हो तो प्लीज मेरे से पूछ लेना बीच में ना कभी भी। धर्मपाल जी थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। यस सर। मैं क्लाइंट के पास जाता हूँ तो उसमें सबसे पहले ये बात करता हूँ कि सर आर यू इनटू विशफुल वर्किंग और फोर्सफुल वर्किंग, मतलब कि आप जबरदस्ती से काम करते हैं। आप भी मेरे को चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स देते रहना, मैं आप ही से ही समझ लो पूछ रहा हूँ कि आर यू इनटू विशफुल वर्किंग और फोर्सफुल वर्किंग। आप जबरदस्ती से काम करते हैं, मजे में काम करते हैं। सब लोग अपना अपना चैट बॉक्स में व्यू दीजिए प्लीज।
यहाँ पे जो रेशो आ रही है 50-50% की आ रही है धर्मपाल जी। हाँ जी 50% की रेशो आ रही है, आधे मजे में करते हैं आधे फोर्सफुली करते हैं। अच्छा अच्छा, तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। रॉबर्ट कियोसाकी सामने बोला मनी इज इम्पोर्टेंट येट आई डोंट वांट टू स्पेंड माई एंटायर लाइफ वर्किंग फॉर इट। हालांकि पैसा इम्पोर्टेंट तो है लेकिन सारी जिंदगी में सिर्फ पैसा ही कमाने में नहीं लगा रहा लगाना चाहता। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, आप बताना आपके लिए ट्रू है या फॉल्स है। यू डोंट हैव चॉइस बट हैव टू वर्क फॉर मनी। आप ट्रू या फॉल्स कुछ भी बताएंगे जो आपके लिए ठीक हो, कि आपके पास कोई चॉइस नहीं है, पैसे के लिए आपको काम करना ही पड़ता है, आपके yes. लिए ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू। ज्यादातर आंसर ट्रू के ही आ रहे हैं। नवीन पीपल सामने ट्रू बोला, गया प्रसाद सामने ट्रू बोला, ज्यादातर आंसर ट्रू ही आ रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन, नो मैटर यू आर हेल्दी और सिक यू स्टिल हैव टू वर्क। कभी आपके पेट में भी दर्द होता है, कभी सर में भी दर्द होता है, ना चाहते हुए भी आपको काम पे जाना पड़ता है, आपके लिए ट्रू है या फॉल्स है। कुछ लोग ट्रू बोल रहे हैं, कुछ लोग फॉल्स बोल रहे हैं। 70% ट्रू बोल रहे हैं, 30% फॉल्स बोल रहे हैं। यू कैन नॉट परस्यू योर हॉबीज बिकॉज यू आर लोडेड विद वर्क। आप सारा दिन बैठ के मैच देखना चाहते हैं, बच्चे के साथ एंजॉय करना चाहते हैं, या कुछ भी आपकी हॉबी है जैसे क्रिकेट खेलना, बैडमिंटन खेलना, अपनी हॉबी को पूरा नहीं कर पाते चूंकि काम का ही प्रेशर रहता है, आपके लिए ट्रू या फॉल्स है। बलराम पांडे साहब ट्रू बोल रहे हैं, कुछ लोग फॉल्स बोल रहे हैं। ये 50-50% का ऑलमोस्ट रेशियो है। यू कैन नॉट गिव टाइम टू यूर सेल्फ स्पाउस और किड्स। जितना टाइम आपको खुद के लिए देना चाहिए या वाइफ के लिए देना चाहिए या बच्चों के लिए देना चाहिए नहीं दे पाते, ये ट्रू है या फॉल्स है। अजय मंसर साहब फॉल्स बोल रहे हैं, नवीन दुबे साहब ट्रू बोल रहे हैं, प्रदीप जी ट्रू बोल रहे हैं, विनोद गोयल साहब ट्रू बोल रहे हैं। ये भी ऑलमोस्ट 50-50 आ रहा है, ज्यादातर ट्रू पे आ रहे हैं, 70-30 का रेशो है। यू कैनॉट गिव टाइम फॉर योर हेल्थ। आप जिम जाना चाहते हैं, पार्क जाना चाहते हैं, योगा जाना चाहते हैं, चूंकि टाइम ही नहीं होता इसलिए नहीं जा पाते, ये ट्रू है या फॉल्स है। इसमें भी 50-50% का ही आ रहा है रेशा। यू कैनॉट गिव टाइम टू स्पिरिचुअल एक्टिविटी। जो भगवान के लिए टाइम देना चाहिए, जितना टाइम आप देना चाहते हैं नहीं दे पाते, ये ट्रू है या फॉल्स है। इसमें भी 70-30 का ही रेशियो आ रहा है। यू कैनॉट गिव टाइम टू सोसाइटी। जो फ्रेंड्स रिलेटिव्स को जितना टाइम हम लोग देना चाहते हैं नहीं दे पाते, ये ट्रू है या फॉल्स है।
इसमें 70% थ्रू ही आ रहे हैं। यू आर ऑलवेज स्ट्रेसफुल एंजियस वरीड कंसर्न्ड अबाउट मनी, पैसे को लेके आप चिंतित रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, ये ट्रू है या फॉल्स है? अजय बंसल साहब फॉल्स बोल रहे हैं, अमीन दुबे साहब फॉल्स बोल रहे हैं, नॉर्थ वेल साहब फॉल्स बोल रहे हैं। देवेंद्र पांडे सब ट्रू बोल रहे हैं, तो इसमें भी 50% ट्रू है, 50% फॉल्स है। आप अपना टोटल कर लीजिए कि किसने कितने ट्रू बोले हैं, किसने कितने फॉल्स बोले हैं। इफ मोस्ट ऑफ योर आंसर वर ट्रू यू डू फोर्सफुल वर्किंग, अगर ज्यादातर आंसर आपके ट्रू हैं, इसका मतलब आप फोर्सफुल वर्किंग कर रहे हैं। Where you don't have time to live your life as per your choice, you don't have enough time to spend with your family and enjoy your hobbies or desire. अगर ज्यादातर आंसर आपके ट्रू हैं, तो इसका मतलब आप फोर्सफुल वर्किंग करते हैं, जहां पर इतना भी टाइम नहीं है कि अपनी लाइफ को अपने मुताबिक जी पाएं और अपनी फैमिली और अपनी हॉबीज को डिजायर एंजॉय कर पाएं और अपनी हॉबी को पूरा कर पाएं। ब्रॉनी बियर एक लेडी है जिन्होंने एक बुक लिखी थी 5 regrets of dying persons, 5 ऐसे कॉमन रेग्रेट होते हैं जो आदमी को लास्ट स्टेज में ही याद आते हैं जब वो जाने वाले हैं। 5 ही कॉमन रेग्रेट होते हैं। पहला रेग्रेट क्या रहता है? आई विश आई हैड लिव्ड अ लाइफ टू माई सेल्फ, काश मैं अपने लिए भी जिया होता या जी होती, ये कभी याद आता है? लास्ट स्टेज में याद आता है। सेकेंड क्या होता है? आई विश आई हैडंट वर्क सो हार्ड, जितनी मेहनत मैंने अपनी जिंदगी में की है काश मैंने नहीं की होती। थर्ड रेग्रेट क्या रहता है? आई विश आई हैड करेज टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स, जो मेरी इच्छाएं थी, जो मैं करना चाहता था काश मैंने पूरी की होती। फोर्थ रेग्रेट क्या रहता है? आई विश आई हैड स्टेड इन टच विद माई फ्रेंड्स, जो मेरे बचपन के दोस्त थे, जो मेरे यंग एज के दोस्त थे, जितना टाइम मैं उनके साथ बिताना चाहता था काश मैंने बिताया होता। फिफ्थ रेग्रेट क्या रहता है? आई विश आई हैड लेट माइसेल्फ बी हैप्पियर, जितना खुश मैं अपनी जिंदगी में रहना चाहता था काश मैं रहा होता। यू हैव अ चॉइस ऑफ नॉट रेग्रेटिंग एनीथिंग, एंजॉइंग योर लाइफ एंड फुलफिलिंग ऑल योर ड्रीम्स, कि कल को यही 5 कॉमन रेग्रेट होते हैं कि कल को आपको ये नहीं लगना चाहिए थी काश मैंने ये कर लिया होता, काश मैंने ये कर लिया होता। ये 5 ही कॉमन रेग्रेट होते हैं जो आदमी को लास्ट स्टेज में ही याद आते हैं। वॉरेन बफे साहब ने बोला, इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप यू विल वर्क अंटिल यू डाई, अगर आपने कुछ ऐसा नहीं कर रखा कि जब आप सो रहे हो तो पैसा भी आपके लिए पैसा कमाए, नहीं तो जब तक आप जिंदा हैं तब तक आप काम करते ही रहेंगे। अभी ना हेल्पेज इंडिया का एक सर्वे हुआ था, बिजनेसमैन के ऊपर सर्वे हुआ था, जो 60 साल से ऊपर बिजनेसमैन है उनके ऊपर सर्वे हुआ था कि उनकी लाइफ कैसी रहती है। तो उसमें पाया गया कि 1% लोग ही होते हैं आफ्टर 60 ईयर जो वेल्दी होते हैं, 4% आर मेंटेनिंग देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, 4% लोग ऐसे होते हैं जो कि अपना स्टैंडर्ड बिल्कुल वैसे ही मेंटेन करके चल रहे होते हैं जैसे वो 60 साल से पहले रहते हैं। नौ परसेंट लोगों का मृत्यु हो चुका होता है। 23% आर स्टिल वर्किंग बिकॉज दे कांट अफोर्ड टू क्विट, 23% लोग ऐसे होते हैं जो ना चाहते हो भी जबरदस्ती से काम करना पड़ता है, नहीं काम करेंगे तो उनका गुजारा नहीं होने वाला। 63% डिपेंडेंट ऑन चिल्ड्रन और चैरिटी,
या तो फिर बच्चों के ऊपर आश्रित रहते हैं या किसी ना किसी ओल्ड एज होम के ऊपर आश्रित रहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सबसे, आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं, 1% में जो वेल्दी हैं या 4% में जो कि जैसा 60 साल से पहले रह रहे थे 60 साल के बाद भी वैसे ही स्टैंडर्ड मेंटेन करके चल रहे हैं, या फिर 23% में ना चाहते हुए भी जबरदस्ती से काम करना पड़ रहा है, या फिर 63% में? ज्यादातर लोगों के 1% ही आंसर आ रहे हैं, तो कांग्रेचुलेशन। ये फर्स्ट नंबर पे बोरिस बेकर है, 5 बार विंबलडन जीता है, जर्मन का नंबर 1 टेनिस प्लेयर, 1400 करोड़ रुपए की संपत्ति का मालिक बनकर 2017 में बैंकरप्ट हुआ, 2019 में जितना भी सोनियर था गोल्ड मेडल कप शील्ड सब ऑप्शन हो गया, आज की रेट में 617 करोड़ रुपीस का डेट है। ऐसा क्या हुआ कि एक टाइम पे 1400 करोड़ रुपए की संपत्ति थी और एक टाइम पे 617 करोड़ रुपए का डेट हो गया, आज की रेट में तो ये जेल में है। विजय पा सिंघानिया, रेमंड कंपनी का मालिक, जेके पेपर मिल का मालिक, 20,000 करोड़ रुपीज का असेट था। जब ये अपने ऑफिस में जाता था हफ्ते में एक बार तो चार्टर्ड हेलीकॉप्टर से जाता था, 5,000 फैमिली इनके पास काम करती थी, और आज की डेट में मुंबई में एक छोटे से फ्लैट में रहना पड़ रहा है जहां पर बेसिक नीड के लिए भी उसको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ये लास्ट में शोले फिल्म में काम करते थे, जब शोले फिल्म में काम किया था तो इनके पास इम्पाला गाड़ी होती थी, उस जमाने की सबसे महंगी गाड़ी मानी जाती थी। और जब इनका डेथ हुआ इनकी फैमिली के पास इतना भी पैसा नहीं था कि बॉडी भी डिस्चार्ज करा सके, फिल्म इंडस्ट्री से चैरिटी हुआ, हॉस्पिटल का बिल पे किया गया और फिर इनका बॉडी डिस्चार्ज हुआ तो क्रीमेशन वगैरह हुआ। ऐसा क्यों होता है कि एक टाइम पे तो मेरे पास बहुत पैसा होता और एज बढ़ते के साथ साथ पैसा कमी होता, ऐसा क्यों होता? आप में से कोई चैट बॉक्स में बताएगा प्लीज ऐसा क्यों होता, या फिर ऑनलाइन आके बताएगा जो बोलना चाहता उसको अनम्यूट कर दो। राठौर साहब हैंड रेज करिए तभी अनम्यूट करूंगा। बोलो विकास जी अनम्यूट करके। बहुत से लोग जवाब दे रहे हैं, मिस प्लानिंग, नॉट प्लान्ड, poor financial planning, not investing money, बिल्कुल सभी लोगों ने बहुत ही बढ़िया आंसर दिया। यही रीजन होता है, मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। ये थोड़ा सा अगर मेरा राठौर साहब राठौर साहब सुन पा रहे हैं? हाँ जी विकास जी। सर मेरा मानना है कि जब पानी आ रहा होता है और जब वो स्टोर नहीं करते हैं तो ना आने के बाद वही आदमी मुसीबत में पड़ते हैं। कहने का मतलब है जब पैसे का फ्लो आ रहा होता है और उस पैसे के फ्लो को अगर वो बचा के नहीं रखते, स्टोर करके नहीं रखते, तो जरूरत पड़ता है और नहीं रहने पे फिर वो मुसीबत में खड़े होते हैं। थैंक यू। परफेक्ट बात बोली है विकास जी। हेलो सर, राइटिंग पे मत जाना, ये कुछ नजर आ रहा है क्या इसमें से? चलो मैं वैसे ही बताने की कोशिश करता हूँ। धर्मपाल जी एक बार सबको म्यूट कर रहा हूँ, उसके बाद अपने आप को म्यूट कर लेना। हाँ जी। हेलो सर, मैं कुछ बोलूँ? बोलो जी। या गुड मॉर्निंग टू ऑल सर। एक तो सर फ्यूचर के लिए कोई प्लानिंग नहीं करते, सेविंग नहीं करते, और सेकंड कोई एक ही इनकम सोर्स होता है, सेकंड अर्निंग का सोर्स नहीं करते, कोई पैसिव इनकम का भी नहीं कर पाते जिनके कारण ये हो सकता है। सर बिल्कुल सही बोला आपने, ऐसा इसलिए होता है कि जो 25 से लेके जो 60 साल की एज होती है ना, लिख के मैं अभी बता नहीं पा रहा लेकिन ऐसे ही बताता हूँ, 25 से एक लाइन ड्रॉ करनी है, 25 से लेकर 60 साल की जो एज होती है ना वो होता है अर्निंग स्पान। अर्निंग स्पान मतलब मैं जब तक पैसे कमा रहा हूँ तो मेरे पास पैसे की दिक्कत नहीं आएगी,
एक और स्पान होता है जिसको बोलते हैं लाइफ स्पान। लाइफ स्पान मतलब बर्थ से लेकर डेथ तक का जो स्पान होता है वो लाइफ स्पान होता है। एक और स्पान होता है जिसको बोलते हैं स्पेंडिंग स्पान। अभी बच्चा इस दुनिया में पैदा नहीं भी होता ना, उसके खर्चे होने शुरू हो जाते हैं, हम कुछ ना कुछ सामान लाना शुरू कर देते हैं, खर्चे सारी उम्र चलते रहते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 85 साल में उसका डेथ होता है ना, तो भी उसके खर्चे चलते रहते हैं क्योंकि हम लोग रिचुअल्स करते हैं। तो जब तक तो मैं पैसे कमाता हूँ 25 से लेकर 60 साल तक, तब तक तो रहता मैं डिग्निटी से, लेकिन मैं जैसे ही पैसा कमाना बंद कर देता हूँ, ऐसे लाइन डालनी है कि जैसे ही पैसा कमाना बंद कर देता हूँ और अगले 20 साल 25 साल और जिंदा रहता हूँ तो भी तो मुझे डिग्निटी से रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, तो भी तो मेरी इनकम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, बताइए। बिल्कुल सब लोग कह रहे हैं होनी चाहिए। अगर तो ये अर्निंग स्पान, लाइफ स्पान, स्पेंडिंग स्पान तीनों स्पान सेम होते तो मुझे पैसा बचाने की जरूरत ही नहीं है, पैसा कमाते जाओ, खर्च करते जाओ, जीते जाओ, क्योंकि जब तक कमा रहा हूं तब तक जी रहा हूं। चूंकि अपनी प्लानिंग नहीं होती इस वजह तो अपने उसको सेविंग करने की जरूरत पड़नी चाहिए। सब लोग ऐसा करेंगे? ये तो निश्चित है कि 10 साल के बाद 15 साल के बाद भी हमारे खर्चे होंगे ही होंगे, ये तो निश्चित है। तो निश्चित खर्चों के लिए इनकम भी तो निश्चित होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? इनकम तो मेरी फ्लक्चुएट करती रहती है, कभी कोविड आ गया, कभी जीएसटी आ गया, कभी नोटबंदी आ गया, लेकिन खर्चे मेरे निश्चित ही रहते हैं। कुछ ऐसा हो जाए कि निश्चित खर्चों के लिए इनकम भी निश्चित हो जाए तो कैसा रहेगा? चैट बॉक्स में बताइए। जिस तरह से एक मैंगो ट्री होता है ना, उसका हम 10 साल 12 साल टेक केयर करते हैं और उसके बाद वो 100 ईयर तक हमारे को फ्रूट देता ही रहता है। तो इसी तरह से सर आप एक मनी ट्री क्यों नहीं लगाते कि 10 साल 12 साल टेक केयर करें और लाइफ टाइम गारंटेड आपको पैसा आने ही आता ही रहे? आप चाहते हैं कि ऐसा मनी ट्री आपके पास होना चाहिए? बताइए। सब लोग बोल रहे हैं यस। तो ये मनी ट्री में ना आपके 6 करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। कोई भी मनी ट्री आप लगा रहे हैं तो उसमें 6 करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। छह करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेगुलर इनकम पोर्टफोलियो। पहला करेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए? इट विल कम ऑन फिक्स्ड डेट। सर जिस तरह से आपकी सैलरी आती है, जैसे मान लेते हैं 1 तारीख को आती है, कभी वो 5 को आए, कभी वो 10 को आए, कभी 15 को आए, तो आपके खर्चे डिस्टर्ब होंगे या नहीं होंगे? तो आप चैट बॉक्स में बताइए कि आपके खर्चे डिस्टर्ब होंगे या नहीं होंगे अगर ये अलग अलग डेटों पे पैसा आएगा तो। सेकंड क्या आना चाहिए? इट शुड हैव द सेम अमाउंट। तो जितना भी आपका अमाउंट आप चाहते हैं आना चाहिए, मतलब जैसे आप चाहते हैं कि 1,00,000 रुपए आना चाहिए तो 1,00,000 रुपए हर महीने आना ही चाहिए। तो आपकी सैलरी कभी मान लेते हैं आपकी सैलरी 1,00,000 रुपए है तो कभी 75 आएगी, कभी 65 आएगी, कभी 1,05,000 रुपए आएगी, तो होंगे या नहीं होंगे?
थर्ड करेक्टरिस्टिक्स क्या है उसमें, कैन नॉट बी गिवन और टेकन अवे। ऐसा नहीं है कि आपके पास इनकम आ रही है, कोई ना कोई टैक्स में जा रही है, कोई ना कोई ईएमआई में जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो आपके पास रुकनी चाहिए। कैन नॉट बी गिवन और टेकन अवे का एक और मतलब है, मान लेते हैं आपने अपने रिटायरमेंट के लिए 2 करोड़ रुपए इकट्ठे किया, अब आपका बेटा एमबीए पास करके आता तो बोलता है पापा मेरे को बिजनेस के लिए 2 करोड़ रुपए चाहिए। अब मैं तो अपने बच्चे को बहुत प्यार करता हूँ ना, आज तक मैंने किया ही किसके लिए, अपनी फैमिली के लिए किया, और आज मेरे बच्चे को पैसे की ज़रूरत है, मैं सपोर्ट नहीं करूँगा तो कौन सपोर्ट करेगा। अब मैंने उसको, उसने 2 करोड़ रुपए मांगे और मैंने उसको दे दिया। अब बिजनेस क्या कि ऊपर नीचे होता रहता है, और बिजनेस से उतना रिटर्न नहीं आया तो मैं अपने बच्चे से कल को झगड़ा भी तो नहीं कर सकता, लेकिन बाकी मेरे 20 से 25 साल बचे हुए तब क्या होगा। तो कैन नॉट बी गिवन और टेकन अवे का मतलब है कि जो मेरे पास इनकम आ रही है वो रुकनी चाहिए। रितु इसको बंद करना है। हेलो रितु, सॉरी। फोर्थ करेक्टरिस्टिक्स कैन नो नीड टू स्पेंड टाइम मनी और एफर्ट्स। उसके लिए क्या होता है कि मेरे को एफर्ट्स भी नहीं लगाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने रेंटल इनकम पे कोई रेगुलर इनकम का प्रावधान कर रखा है कि किराएदार खाली ना करे, तो उस समय मैं 60, 65, 70 साल में उससे झगड़ा भी तो नहीं कर सकता। तो जो भी मनी आ रही है ऑटोमेटिकली मेरे बैंक में ट्रांसफर होनी चाहिए विदाउट कोई पेन के। इम्यून टू कैलामिटीज, कल को कोविड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, तो मेरी इनकम डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, वो ऑटोमेटिकली मेरे बैंक में ट्रांसफर होनी ही चाहिए। और सिक्स क्या कि डज नॉट डेप्रिशिएट, वो कम भी नहीं होनी चाहिए। तो जिसमें ये 6 करेक्टरिस्टिक्स हो वैसी रेगुलर इनकम में आपको पैसा लगाना चाहिए। क्या वैसी रेगुलर इनकम आपके पास है अभी तक, आप चैट बॉक्स में डालिए प्लीज। नहीं, जीवन शांति बन के नहीं डालना है आप, मैं ऐसे बात करना है जैसे आप क्लाइंट ही हो। तो क्लाइंट का आंसर भी ज्यादातर नहीं आता, तो फिर मैं आप उनसे पूछता हूँ कि आप चाहते हैं कि ऐसी रेगुलर इनकम आपके पास होनी चाहिए। आप बताना कि आप कैसा महसूस करेंगे व्हेन यू विल बी 60 ईयर ऑफ एज। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप कितने स्वतंत्र महसूस करेंगे, मोर करेंगे, लेस करेंगे या जीरो करेंगे। सब लोग चैट बॉक्स में प्लीज जवाब देना। हाउ इंडिपेंडेंट यू विल फील स्पेंडिंग मनी फ्रॉम योर बैंक अकाउंट फॉर डेली नीड्स। जब आप 60 साल के हो गए, अपने ही बैंक से अपने ही खर्चे के लिए पैसा निकालना पड़े, तो आप कितने स्वतंत्र महसूस करेंगे, मोर करेंगे, लेस करेंगे या जीरो करेंगे। सब लोग कह रहे हैं मोर करेंगे, बिल्कुल सही है। हाउ इंडिपेंडेंट योर स्पाउस विल फील स्पेंडिंग मनी फ्रॉम योर बैंक अकाउंट फॉर डेली नीड्स। अब आपकी वाइफ को आपके बैंक अकाउंट से पैसा निकालना पड़े अपने डेली नीड्स के लिए, तो वो कैसा महसूस करेगी, कितनी स्वतंत्र महसूस करेगी, मोर करेगी, लेस करेगी या जीरो करेगी। बिल्कुल मोरी करेगी, तो अपने पति के बैंक से ही तो पैसा निकालना है, तो वो मोरी करेगी। हाउ इंडिपेंडेंट यू विल फील स्पेंडिंग टेकिंग मनी फ्रॉम योर सन और डॉटर टू स्पेंड। अब अपने बच्चे से पैसा मांगना पड़े अपने खर्चे के लिए जब आप 60 साल के हो गए, तो आप कितना इंडिपेंडेंट महसूस करेंगे, मोर करेंगे, लेस करेंगे या जीरो करेंगे। बिल्कुल सब लोग कह रहे हैं जीरो महसूस करेंगे। How independent you will feel taking money from your married son or daughter to spend? अब घर पे एक नया मेहमान आ गया, मैरिड बच्चे से पैसा मांगना पड़े, अनमैरिड से तो चलो फिर भी
मांग सकते हैं, वैसे तो नहीं मांगना चाहिए, लेकिन तब आप कैसा महसूस करेंगे, कितने स्वतंत्र महसूस करेंगे, मोर करेंगे, लेस करेंगे या जीरो? सब लोग कह रहे हैं जीरो महसूस करेंगे। हाउ इंडिपेंडेंट यू विल फील टेकिंग मनी फ्रॉम योर मैरिड फ्रॉम योर ग्रैंडसन और ग्रैंडडॉटर टू स्पेंड। अब अपने पोते से पैसा मान लेते हैं, बेटा नहीं काम कर रहा या कुछ दिक्कत हो गई या आउट ऑफ कंट्री चला गया, अपने ग्रैंडसन या ग्रैंडडॉटर से अपने खर्चे के लिए पैसा मांगना पड़े तो कैसा महसूस करेंगे? तो सब लोग बोल रहे हैं जीरो महसूस करेंगे। तो उसके बाद मैं क्लाइंट को बोलता हूँ सर दो तरह के गोल होते हैं। एक गोल तो होता है नॉन नेगोशिएबल गोल। नॉन नेगोशिएबल गोल मतलब चाहिए ही चाहिए, जैसे मेरे बच्चे की एजुकेशन, चाहे मेरा धंधा कैसे भी हो, अप हो डाउन हो, लेकिन बच्चे की एजुकेशन के साथ तो मैं कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, वो तो मुझे चाहिए चाहिए, वो मेरे लिए नॉन नेगोशिएबल गोल है। बच्चे की मैरिज, हम उतनी मैरिज नहीं करेंगे, डेस्टिनेशन या डिस्टेंस मैरिज नहीं करेंगे, लेकिन एक अच्छी सी मैरिज तो करेंगे, लेकिन वो मेरे लिए नॉन नेगोशिएबल गोल है, उस पर मैं कभी भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। अपना रिटायरमेंट हो गया, जैसे कि आप फूड क्लॉथ रेजिडेंस एंटरटेनमेंट मेडिसिन ट्रांसपोर्ट, जो बेसिक नीड के लिए जो मुझे पैसा चाहिए ना, वो मुझे चाहिए ही चाहिए, उसमें मैं कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, वो नॉन नेगोशिएबल गोल है। एक और भी तो गोल होता है जिसको बोलते हैं नाइस टू हैव गोल। नाइस टू हैव गोल मतलब कि जैसे मुझे एप्पल का मोबाइल भी तो लेना है, वो हर डेढ़ साल के बाद एक साल के बाद वो भी तो चेंज करना है, मुझे मर्सिडीज भी तो चाहिए, मुझे BMW भी तो चाहिए, वो भी तो मुझे इसी जन्म में ही पूरा करना है, वो नाइस टू हैव गोल है। जैसे कि मुझे अपनी वाइफ को फॉरेन टूर भी तो लेके जाना है, बच्चों को फॉरेन टूर भी तो लेके जाना है, वो नाइस टू हैव गोल है। जो नॉन नेगोशिएबल गोल है वो जो हमें पूरा करना चाहिए, वो करना चाहिए LIC से, PPF से, बैंक FD से, वो नॉन नेगोशिएबल गोल वहां से पूरा करना चाहिए। जो नाइस टू हैव गोल है वो हम लोग सिप से पूरा कर सकते हैं। तो फिर मैं उनका वो जो देखता हूँ कि कितना कैपेसिटी है उनका, मतलब कितना रिस्क कैपेटाइट है, उसके हिसाब से मैं प्लान डिजाइन करता हूँ। अब किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज पूछ सकता है। बिल्कुल 100% इफेक्टिव ही होता है और अच्छा रिजल्ट आता है। हम लोग खाली प्लान की बात कर, क्वेश्चन कोई आ रहा है तो ले लो भैया। अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो रेज योर हैंड, विनोद गोयल जी को अलाउ करो। विनोद जी को अलाउ करो बोलने के लिए। विनोद जी बोलिए। अनम्यूट नहीं हो रहा, बोलिए विनोद जी। जी जी, नमस्कार धर्मपाल जी, आपका संबोधन बहुत अच्छा लगा। मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये था कि आपने जो कहा नाइस टू हैव गोल्स, उसमें आपने SIP के ऊपर बताया, तो उसमें हमें कैसे उसको बाइफर्केट करें, जैसे कोई 5 साल के बाद कार लेना चाहता है, 10 साल के बाद कोई मकान लेना चाहता है, तो उसको और अमाउंट का भी हिसाब किताब बनाना पड़ता है, तो उसको कैसे आप बाइफर्केट करते हैं या एक ही SIP में काम चलता है? नहीं, उसके लिए हम लोग एक्चुअली NGO के साथ एसोसिएट्स हैं, वहां पर मार्क्स, उसका पहले तो रिस्क कैपेटाइट देखना पड़ता है कि एज कितनी है, उसके हिसाब से उसको एक शिफ्ट में तो नहीं, हम लोग 2-3 म्यूचुअल फंड उसको सजेस्ट करते हैं, या कई बार 5 मार्क्स से है उसमें NGO में, उसमें 5 फंड का कॉम्बिनेशन है, तो उस हिसाब से डिजाइन करते हैं। अगर एज ज्यादा है तो हम लोग बैलेंस फंड में देते हैं, और एज कम है तो एग्रेसिव फंड में ही देते हैं।
शॉर्ट टर्म गोल जनरली, शॉर्ट टर्म मतलब 5 साल या 5 साल से 10 साल के बीच में, तो हमारे पास वैसे भी कोई LIC प्लान तो है ही नहीं। जैसे मेरी बिटिया 14 साल की है, मैं कोई LIC का प्लान तो ले नहीं सकता, लेकिन मेरी बिटिया की एजुकेशन के लिए, जैसे मैरिज के लिए मुझे मान लेते हैं 24-25 साल में पैसा चाहिए, तो 10-11 साल ही है मेरे पास, तो 10-11 साल का तो कोई प्लान है ही नहीं। तो मैं जनरली जैसे खुद के लिए प्लानिंग करता हूँ, वैसे ही मैंने कस्टमर के लिए प्लानिंग करता हूँ, तो उसको मैं SIP सजेस्ट करता हूँ। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू। एनी क्वेश्चन, और किसी का कोई सवाल है क्या? नो क्वेश्चन। धर्मपाल जी स्क्रीन बंद कर दीजिए, थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा आपका सेशन आज का? एक बार मैं आप सबको अनम्यूट कर रहा हूं, आप एक बार ये बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। देखिए कितना अच्छा फीडबैक सब लोगों ने दिया है आपके सेशन का, और आप संकोच करते रहते हैं, मैं बोलूंगा नहीं, आपने बहुत अच्छा सेशन दिया है, मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। आज 100 लोग थे, हम लाइव टेलीकास्ट भी कर रहे थे, तो बहुत ही अच्छा लोगों का फीडबैक रहा। अब मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं दोस्तों, यहां पर जो लोग जुड़े हैं वो FPIIT के मेंबर भी हैं और नॉन मेंबर भी हैं। इस बार का जो कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं होटल क्राउन प्लाजा में, वो ओनली 4 मेंबर है, नॉन मेंबर को हम इस बार इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं करेंगे। ये कार्यक्रम 30 जुलाई को शनिवार को होगा, सुबह 9 बजे आपको पहुंचना होगा होटल क्राउन प्लाजा, और 2 बहुत पावरफुल स्पीकर लाइफ इंश्योरेंस पे बोलने के लिए हमारे बीच में रहेंगे। एक आप सब उनको जानते हैं, उनका नाम है सुमित श्रीवास्तव, बहुत युवा हैं, बहुत ही अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, एक्सेल करते हैं, सुमित श्रीवास्तव रहेंगे। और दूसरे बिमटेक से प्रोफेसर प्रतीक प्रियदर्शी, ये रहेंगे लाइफ इंश्योरेंस के, वहां के डीन हैं बिमटेक के, ये बोलेंगे। सेकंड हाफ में एक ओपन सेशन होगा, और जिसमें हम मेंबर से बिजनेस के बारे में टारगेट्स लेंगे, बात करेंगे उनसे। तो ये कुल मिला के दिन भर का इवेंट है, आप लोग डेट नोट कर लें, 30 तारीख को होटल क्राउन प्लाजा में ये कार्यक्रम होगा। अब रही बात जो मेंबर नहीं उनके लिए क्या किया जाए, उनसे निवेदन है, जो मेंबर नहीं है वो FPIIT की मेंबरशिप जल्दी से जल्दी ले लीजिए, जिससे आप भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो सके। आने वाले समय में मन ये है कि सबके सब हमारे मित्र FPIIT के मेंबर बन जाएं और हम लोग मिलकर अच्छा काम करें और अच्छे अच्छे स्पीकर्स को अपने बीच में लाएं। तो साथियों, आप अपनी डायरी में 30 जुलाई की डेट ब्लॉक कर दीजिए और इस कार्यक्रम में आप उपस्थित रहें। मेरा एक वादा है आप लोगों से, इस कार्यक्रम के बाद आपका जो भी टारगेट है, जो आपने डिसाइड किया गया है, आप देखेंगे कि 30 तारीख के बाद एक नए उत्साह के साथ, एक नई उमंग के साथ आप काम कर पा रहे हैं। जैसे आज का सेशन धर्मपाल जी ने जिस प्रकार से लिया है, आप 30 जुलाई के बाद आपके अंदर एक अतिरिक्त ऊर्जा, एक अतिरिक्त एनर्जी आप महसूस करेंगे। कुछ लोग पूछ रहे हैं मेंबरशिप क्या है, तो FPIIT की जो मेंबरशिप है, एक फॉर्म भरना होता है, 3 साल की मेंबरशिप आपको मिलेगी, और 3 साल की मेंबरशिप के लिए आपको ₹30,000 पेमेंट करना है। आप चेक से दे सकते हैं और ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं। हाँ,
ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं। राजेश 30,000 रुपया ले रहे हैं ना हम लोग? हाँ जी 30,000 तीन साल की मेंबरशिप का पैसा है, तो आप सब लोग इस मेंबरशिप को ले सकते हैं। चैट बॉक्स में जिन लोगों ने राजेश उनके नाम लिख ले, जिन्होंने कहा है कि मेंबरशिप हमको चाहिए, ऐसे कुछ लोगों ने लिखा है। एक गैलेक्सी F12 है, बेनिफिट्स ऑफ मेंबरशिप पूछ रहे हो। हाँ हमारे जो सेशन हम साल में 3 या 4 सेशन करते हैं ऑफलाइन, होटल में करते हैं, 5-स्टार में करते हैं, और बड़े बड़े स्पीकर के साथ दिन भर का होल डे का सेशन करते हैं, और ये ओनली फॉर मेंबर्स होता है और इसमें कोई फीस नहीं होती है। जो मेंबर होता है उसको ये सेशन मेंबर्स को फ्री अलाउ है, वो सेशन को अटेंड कर सकते हैं 30 तारीख को। कितने लोग मेंबर हैं एक बार थोड़ा चैट बॉक्स में हमको बता दीजिए कि कितने मेंबर जुड़े हुए हैं और 30 तारीख को कितने लोग आ रहे हैं। राजेश भाई, राजेश भाई ये भी बता दो, 5-स्टार में जो होता है 3500 रुपया पर हेड का लगता है आज की डेट में, और हम 3 साल की गारंटी कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है, 3,500 रुपया 5-स्टार का खर्चा है, लेकिन FPRT आप सबके लिए ये सेशन करती है। पिछले दिनों भी जो सेशन हमने किया आपने बहुत पसंद किए हैं, तो हम मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत लोगों ने लिखा मेंबर हैं, आप लोग अपनी डेट ब्लॉक कर लीजिए, आप सबको आना है। जो मेंबर नहीं है वो मेंबरशिप ले लीजिए। बहुत लोग लिख रहे हैं मैं मेंबर हूँ, कोई राजेश कुमार सोनी गोल्ड मेंबर है, अमित पालीवाल जी मेंबर है, अजय बंसल मेंबर है, जोगेंद्री राणा मेंबर है, आप सब सादर आमंत्रित हैं। और जो मेंबर नहीं है वो मेंबरशिप 30,000 रुपया देके मेंबरशिप ले लीजिए, जिससे आप भी पहली बार FPRT में, हम लोग ये सेशन ओनली फॉर मेंबर्स कर रहे हैं, और बाद में हाफ सेशन जो होगा हाफ डे का, वो ओनली मेंबर से डिस्कशन का रहेगा, मेंबर से 1-to-1 बातचीत का रहेगा, और इस तरह का हम पहली बार प्रयोग कर रहे हैं। आप सब उसमें सादर आमंत्रित हैं। समय हो गया है, अब ज्यादा मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। धर्मपाल जी का दिल से धन्यवाद, और धर्मपाल जी से प्रार्थना करता हूँ कि वो वर्ष में कम से कम एक बार तो जरूर जरूर कोई सेशन लिया कर